हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.3। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी विल सी सम थ्योरम्स। ओके, हियर यू सी द टॉपिक इज अ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ट्राइंगल देखना है सेम बेस और सेम पैरेलल वाले, है ना। ये देखिए, तो यहाँ पर एक आपको थ्योरम दी हुई है। सी, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियल एरिया। दो ट्राइंगल जो सेम, जिसका बेस जो है वो सेम हो, है ना, और उसके पैरेलल्स भी जो हैं वो क्या हो, सेम हो, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, तो देखें हम यहाँ। सी, नाउ सपोज ABCD is a parallelogram whose one of the diagonal is AC. See, ABCD is a parallelogram जिसका एक diagonal जो है वो क्या है, AC है। ठीक है, let AN perpendicular DC, यहां देखें AN जो है draw किया गया है DC पर perpendicular। ठीक है, perpendicular means 90 degree का angle बनाते हैं, है ना। तो अब यहां देखें हम कि इन दोनों ट्राइंगल्स का, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। हमने पिछली थ्योरम में ये प्रूफ कर चुके हैं, पैरेललोग्राम के अंदर के जो दो ट्राइंगल हैं, है ना, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, पिछली थ्योरम में। और उसके साथ साथ ये भी देखा कि एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ होता है इस पैरेललोग्राम के एरिया के, है ना। आप देख सकते हैं, देखिए एक ट्रायंगल है, इसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। देख सकते हैं यहाँ टू ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये भी हमने देखा है। नाउ हियर यू सी हाफ ए बी सी डी। तो देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखें क्या है, डीसी, और हाइट क्या है, ए एन, है ना। तो ये देखें एरिया एडीसी इक्वल हाफ डीसी इंटू ए एन, वही बताया गया है। देखें बेस है और ये एल्टीट्यूड है। सो इन अदर वर्ड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो प्रीवियस, डू यू रिमेम्बर दैट यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन क्लास 7। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप जानते हैं क्या होता है, पैरेललोग्राम भी यही होता है कि हाफ इंटू, सॉरी पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखें यहाँ पर, तो वही बताया जा रहा है कि डू यू रिमेम्बर दैट यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन क्लास 7। From this formula, you can see that two triangles with same base or equal bases and equal areas will have equal corresponding altitudes. ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। यहाँ एक और थ्योरम दी हुई है, तो इस थ्योरम को आप देखेंगे और उसका क्या दिया हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। सी, क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 9.23, ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ई जो है, देखें आप यहाँ, ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एबीसी में एक मीडियन दिया है आपको एडी, अब उस मीडियन में एक पॉइंट है ई। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, ये हमें शो करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आप देखें कि एडी जो है हमको गिवन है, एडी जो है वो क्या है, मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी का। अब जब ट्राइंगल ए बी सी का ये मीडियन है, तो ए डी बी और ए डी सी दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हम पिछले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर देखें दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी बी और ए डी सी, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये भी देखें,
कि जब ये इस ट्रायंगल के अंदर देखें, इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये दो ट्रायंगल लिए, अब ये एक ट्रायंगल जो है एडीई, ये देखिए एडीई के अंदर भी टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का सम जो है इस बड़े ट्रायंगल के इक्वल होगा, होगा देखें ट्रायंगल ए बी ई, ये छोटा ट्रायंगल, और ई डी बी एक और छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का सम इस बड़े ट्रायंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सेम हेयर ए डी सी, ए डी सी इस बड़े ट्रायंगल के अंदर टू ट्रायंगल फिर बन रहे हैं। ठीक है, एक बन रहा है ए सी ई और सेकंड ई डी सी। ओके, अब देखें यहां, अब ये तो बड़े ट्रायंगल की बात हुई, अब इस छोटे ट्रायंगल की बात करें हम, ई ई बी सी, तो यहां भी देखें ईडी जो है वो मीडियन का काम कर रहा है। ठीक है, मीडियन का काम कर रहा है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखें ई डी बी, एरिया ऑफ ई डी बी इक्वल एरिया ऑफ ई डी सी। ओके, सो बाय इक्वेशन वन एंड टू, ये जो वाला, ये जो लाइन थी वो इक्वेशन वन की थी और ये इक्वेशन टू। अब क्या करेंगे हम, ई डी बी देखें, एरिया ए बी ई प्लस एरिया ई डी बी, ओके इक्वल एरिया ए सी ई प्लस ई डी सी की जगह हम ई डी बी लिख सकते हैं। देखें ई डी सी के इक्वल है ई डी बी, तो हम ई डी सी की जगह लिख देते हैं एरिया ई डी बी। अब ट्रांसपोज करें तो एरिया ए बी ई प्लस एरिया ई डी बी, ये एरिया इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा माइनस में, एरिया ई डी बी इक्वल ये बचा आपका एरिया ए सी ई। देखें ये प्लस और ये माइनस कैंसिल है ना, तो यहाँ क्या रह गया, एरिया ए बी ई इक्वल एरिया ए सी ई, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है करने की कोशिश करना है। ओके।